सो गाइस, आपने अपने फ़ोन के डायल पैड से ज़्यादा क्या किया होगा? किसी को कॉल किया होगा, किसी को परेशान किया होगा। अब इतने बड़े आदमी तो हम हैं नहीं कि हमारे एक कॉल से कुछ काम बन जाए। किसी का हो गया तो बहुत अच्छी बात है यार, मुझे कमेंट करना। तो हम अपने इस डायल पैड से गाइस क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस। अपने फ़ोन की सिक्योरिटी पता कर सकते हैं, हमारा फ़ोन हैक है नहीं वो पता कर सकते हैं, हमारे फ़ोन की पूरी ए टू जेड चिट्ठा, फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं अपने फ़ोन के डायल पैड से और बहुत कुछ। तो यही बताएंगे आज आपको इस वीडियो में। हम सर आप देख रहे हमेशा की तरह टेक्नो हमजा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। सो लेट्स गो फॉर इट। सो गाइस, कभी कभी क्या होता है, आपसे कोई फ़ोन मांगता है कि मुझे फ़ोन दो, मुझे कॉल करना है, लेकिन आप उसे झूठ बोल देते हैं कि नहीं मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, मैं आपको नहीं दूंगा। लेकिन वो फिर भी आपसे मांगता है कि ला दे, मुझे पता तेरे फ़ोन में बैलेंस है। तो आप किस तरह अपने फ़ोन से कॉलिंग बंद कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीके से, आपको सिर्फ एक कोड टाइप करना है, वो है *##3#1#। उसके बाद आपके फ़ोन से जो कॉलिंग है वो बंद हो जाएगी, फिर किसी को कॉल नहीं जाएगा, सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ आपके फ़ोन में बैलेंस नहीं है। तो आप इस ट्रिक का यूज़ बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। इसका ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पता होगा और आपको बहुत ज़्यादा मालूम होगा इस बारे में, इसलिए ट्रिक को यूज़ कर लेना। सो अगर आपको इसको मतलब आपका काम तो हो गया, लेकिन आप किस तरह वापस कॉल कर सकते हैं किसी को भी, सिंपली आपको टाइप करना होगा *#*3#*, उसके बाद आपकी जो कॉलिंग है फिर इससे चालू हो जाएगी। इसके बाद एंजॉय योर कॉलिंग। तो गाइस, आप अपने फ़ोन के डायल पैड से किस तरह अपनी फ़ोन की पूरी मालूमात निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीके से, आपको सिर्फ एक कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा आपके डायल पैड में। सिंपली आपको टाइप कर आपके डायल पैड में जाके आपको टाइप करना है *#*#*#4636#*#*#*#। उसके बाद आपके फ़ोन में गाइस सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी फ़ोन की है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ए टू जेड जो भी आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आपने कौन सा रिसेंट ऐप यूज़ किया था तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे आप उसे बैक से भी हटा दें फिर भी आप यहाँ सब कुछ देख सकते हैं। तो गाइस, इस ट्रिक के बाद आपके फ़ोन में जो भी जानकारी आप देख सकते हैं, आपकी वाईफाई की, आपके फ़ोन की, आपके रिसेंट ऐप जो भी आपने चलाए हैं सब कुछ देख सकते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग था। ये कोड भी आप लिख के या फिर स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए जो इधर आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा काम की भी ट्रिक हो सकती है। तो गाइस, आपके फ़ोन का IMEI नंबर, जैसे कि मैंने अपने पूरे वीडियो में बता चुका हूँ कि आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर किस तरह पता कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर किस तरह पता कर सकते हैं? आपको सिंपली टाइप करना अपने डायल पैड पर *#*#06#, उसके बाद आपके फ़ोन का IMEI नंबर उभर के बाहर आ जाएगा। आप उसे लिख के रखिए, स्क्रीनशॉट मार के रखिए या फिर गूगल ड्राइव में डालिए, आपको जहाँ डालना है वहाँ डालिए। उसके बाद आपके फ़ोन, तो आपके फ़ोन का IMEI नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए उसे बिल्कुल सिक्योर रखिए। क्या आपका फ़ोन हैक है? जी मैं पूछ रहा हूँ, कह नहीं रहा हूँ। अगर आपको पता करना है कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं है, आपको सिंपली अपने डायल पैड पर जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है *#*#21#, उसके बाद आपके फ़ोन में एक ऑप्शन आएगा कि आपका फ़ोन कहीं और तो नहीं सुना जा रहा है, आपकी वीडियो कहीं और तो नहीं देखी जा रही है, अपना आप जो बात करते हैं वो थर्ड पार्टी को सुन तो नहीं रहा है। तो आपको लिख के आएगा नॉट फॉरवर्डेड एंड फॉरवर्डेड। अगर आपका फ़ोन फॉरवर्डेड हो रहा है तो बहुत ज़्यादा खतरे की बात है, आपको कॉल करना पड़ेगा आपकी सिम में कंपनी जो भी है, कॉल कीजिए, उसके बाद पता कीजिए कि आपका फ़ोन कहीं और तो फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो ये थी गाइस चार ट्रिक। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को टेक्नो हमजा को। इसी तरह की वीडियो आपके लिए आती रहती है गाइस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय बाय।